राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है और इस पहली लिस्ट में एक साथ कई बड़े सियासी संकेत भी दे दिए गए हैं। 41 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में कई दिग्गजों के टिकट काट दिए गए हैं। पहली लिस्ट को देखकर जो अनुमान लगाए जा रहे हैं उसे देखकर लग रहा है कि पहली लिस्ट में वसुंधरा राजे की टिकट बंटवारे में बिल्कुल भी नहीं चली। वसुंधरा राजे समर्थकों को टिकट नहीं दिए गए हैं, यही नहीं राजे समर्थक विधायकों के भी टिकट काट दिए गए हैं। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 29 नए चेहरों को टिकट दिए हैं। खास बात यह है कि इन नए चेहरों में वसुंधरा राजे समर्थक नहीं है। सूत्रों के मुताबिक वसुंधरा राजे ने जिन नामों की सिफारिश की थी पार्टी आलाकमान ने सिरे से उन्हें खारिज कर दिया। सियासी जानकारों का कहना है कि वसुंधरा राजे समर्थकों को टिकट नहीं देकर सियासी संदेश देने की कोशिश की गई है। पहली लिस्ट में वसुंधरा राजे तक का नाम नहीं है। ऐसे में चर्चा है कि वसुंधरा राजे केंद्र में शिफ्ट हो सकती हैं। दूसरी चर्चा ये भी है कि नो रिपीट वाला गुजरात फॉर्मूला राजस्थान में भी लागू हो सकता है। सियासी जानकारों का कहना है कि बीजेपी ने वसुंधरा राजे को जोर का झटका धीरे से दिया है। वसुंधरा राजे के दूर विरोधियों को टिकट। सियासी जानकारों का कहना है कि बीजेपी ने पहली लिस्ट में वसुंधरा राजे के धुर विरोधी माने जाने वाले सांसदों को टिकट दिया है। सीएम पद की दावेदार एवं वसुंधरा राजे के धुर विरोधी सांसद दिया कुमारी को जयपुर की विद्याधर सीट से टिकट दिया गया है। निवर्तमान विधायक नरपत सिंह राजवी का टिकट काट दिया गया है। नरपत सिंह राजवी वसुंधरा राजे के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। चर्चा है कि दिया कुमारी सीएम पद की प्रबल दावेदार हैं। ऐसे में वसुंधरा राजे के काट के लिए दिया कुमारी को तैयार किया जा रहा है। इसी प्रकार सवाई माधोपुर से बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीना को टिकट दिया गया है। किरोड़ी लाल को भी वसुंधरा राजे का धुर विरोधी माना जाता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर को टिकट देकर बीजेपी ने पार्टी के अंदर वसुंधरा राजे विरोधियों का एक मंच तैयार खड़ा कर लिया है। सियासी जानकारों का कहना है कि बीजेपी के सत्ता में आने पर सांसद से विधायक बनने को आतुर ये सभी नेता वसुंधरा राजे के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। पार्टी आलाकमान की यही रणनीति भी है। सियासी जानकारों का कहना है कि वसुंधरा राजे के लिए आगे की राह आसान नहीं दिखाई दे रही। राजे समर्थकों की अनदेखी। चर्चा है कि वसुंधरा राजे को पहली लिस्ट में पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया है। वसुंधरा राजे के समर्थक माने जाने वाले पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत का टिकट काटकर पार्टी ने एक तरह से गुटबाजी से दूर रहने की नसीहत दी है। आपको बता दें कि बानसूर से वसुंधरा राजे समर्थक माने जाने वाले पूर्व मंत्री रोहिता श्वशर्मा को भी टिकट नहीं दिया गया है। हालांकि पार्टी ने पहले ही निष्कासित किया था उन्हें, लेकिन बीजेपी में उनकी वापसी हो गई थी। अब दूसरी सूची से आस। सियासी जानकारों का कहना है कि हो सकता है कि आने वाली सूचियों में वसुंधरा राजे समर्थकों को टिकट मिल जाए, क्योंकि एमपी में भी बीजेपी ने ऐसा ही किया। पहली और दूसरी लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को टिकट नहीं मिला, लेकिन तीसरी सूची में सिंधिया के समर्थकों को टिकट मिला है। ऐसे में माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे समर्थकों को दूसरी सूची में एडजस्ट किया जा सकता है। सियासी गलियारों में कुछ लोगों की चर्चा ये भी है कि वसुंधरा राजे की अनदेखी बीजेपी को भारी पड़ सकती है। ऐसे में बीजेपी आलाकमान जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है। जानकारों का ये भी कहना है कि बीजेपी वसुंधरा राजे की अनदेखी नहीं करेगी, क्योंकि वो जानती है कि राजस्थान में राजे की क्या अहमियत है।